मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस ने 8 सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर उठे सवालों को खारिज किया है। पुलिस ने कहा है कि भोपाल सेंट्रल जेल से भागे इन आतंकियों से पुलिस के बीच जमकर गोलीबारी हुई, इसके बाद वो मार गिराए गए। मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक पहली फायरिंग भी आतंकियों ने की थी। वही कांग्रेस ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या पर हाई सिक्योरिटी जेल से आतंकियों के भागने और कुछ ही घंटों में उनके एनकाउंटर पर जांच की मांग की है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस मामले की एनआईए से जांच कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आग लगाने की घटना को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शिक्षा निदेशक को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। कोर्ट ने 7 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शिक्षा निदेशक को मौजूद रहने के लिए भी कहा है। पिछले एक महीने में राज्य के 27 स्कूलों में आग लगाई गई है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सेना के एक जवान शहीद हो गए, जबकि एक महिला की भी मौत हो गई। राजौरी सेक्टर में एलओसी पार में हुई फायरिंग में राइफलमैन बिमल तमांग शहीद हुए हैं। पुंछ के मेडक में गोलीबारी से वहां रहने वाली राशिदा की भी मौत हुई है, जबकि उसकी मां नजमा घायल हुई है। पुंछ के बालाकोट में भी पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पिछले एक महीने में पाकिस्तानी सेना ने 60 से ज्यादा बार फायरिंग की है। इस फायरिंग में 8 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। नया रायपुर में पीएम जंगल सफारी का उद्घाटन करेंगे, साथ ही दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के अनावरण समेत कई दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही हरियाणा के गुरुग्राम में भी राज्य के गोल्डन जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस आधी रात में 38.50 रुपए महंगी हो गई। सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बढ़कर 530.50 रुपए हो गई है, जबकि दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए अब आपको 430.64 रुपए चुकाने होंगे। ट्रेडर एसोसिएशन सीएआईटी ने कहा है कि दिवाली पर चीनी सामानों की बिक्री में 60% की कमी दर्ज की गई है। कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडिया ट्रेड्स के मुताबिक न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि दुकानदारों के बीच भी चीनी सामानों का क्रेज काफी कम दिखाई दिया। हनुमान दिल्ली, मुंबई, नागपुर, जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद और भोपाल समेत 20 शहरों में लिए गए आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। सरकार इसी हफ्ते बंद पड़े पीएफ खातों पर 8.8% का ब्याज देने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इन खातों पर साल 2011 से कोई ब्याज दर नहीं दिया जा रहा, इससे करीब 9.70 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अभी बंद पड़े खातों में करीब 42,000 करोड़ जमा है। बांग्लादेश में 17 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया और 100 से ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई। बांग्लादेश के ब्राह्मण बरिया में 30 अक्टूबर को 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और माधपुर इलाके में भी 2 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ पोस्ट के विरोध में तोड़फोड़ की गई। लोगों की सुरक्षा के लिए नसीर नगर और माधवपुरा में पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश पुलिस बल और रैपिड एक्शन के जवानों को तैनात किया गया है। आज डीटीसी बसों में महिलाओं और लड़कियों का किराया नहीं लगेगा। आज भाई दूज के मौके पर सरकार ने महिलाओं को ये तोहफा दिया है। महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए सुविधा दी गई।
बाहरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। टायर फाइटर की 18 गाड़ियों की मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हुई 1 करोड़ की चोरी के मामले को सुलझा लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनसे 97 लाख रुपए भी बरामद हुए। दिल्ली में पिछले हफ्ते चिकनगुनिया के मामले में एक बार फिर से मामले बढ़ गए हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में चिकनगुनिया के 640 नए मामले सामने आए हैं। इस साल अब तक चिकनगुनिया के 10,851 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 3 साल की तुलना में इस साल दिवाली पर सबसे ज्यादा प्रदूषण हुआ। डीपीसीसी, सफार और सीएससी के अलग अलग जांच में यह सामने आया। दिल्ली सरकार ने लोगों को कम से कम पटाखे जलाने की अपील की थी, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली में दिवाली पर बड़ी संख्या में आग जलने के भी मामले सामने आए। अकेले 80 लोगों का इलाज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में किया जा रहा है। इस साल दिवाली की रात करीब 173 आगजनी की घटनाएं हुई। महाराष्ट्र के किसान मौसम या जलवायु के मुताबिक खेती करें, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। नौकरशाहों की अगुवाई के लिए बनाई गई ये कमेटी 4,000 गांवों का चुनाव करेगी, जिसमें से 3,000 मराठावाड़ा के और 1,000 गांव विदर्भ इलाके के होंगे। मुंबई लोकल पिछले 9 महीनों में 9,000 बार रद्द हुई है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से कोर्ट में दायर किए गए एक हलफनामे में ये बात सामने आई है। सबसे ज्यादा रद्द होने वाली सेवाएं सेंट्रल रेलवे की हैं। आंकड़ों का औसत निकाला जाए तो 32 सेवाएं रोजाना रद्द होती हैं। मुंबई के फैशन स्ट्रीट का जल्द होगा कायापलट। बीएमसी फाउंटेन से मेट्रो सिनेमा के रास्ते में बने फैशन स्ट्रीट मार्केट को कुछ फीट तक नीचे करेगी। इसके लिए बीएमसी और हॉकर्स के बीच बातचीत शुरू हो गई है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई में अर्बन सफारी की शुरुआत की। इसमें खाकी रंग के खुली जीप में मुंबई कर माया नगरी के ऐतिहासिक ठिकानों को देख पाएंगे। एक निजी टूर कंपनी की तरफ से शुरू की गई अर्बन सफारी में मुंबई के 200 महत्वपूर्ण ठिकानों की सैर की जा सकेगी। श्रीनगर के बागवानी विभाग के मुख्य दफ्तर में सोमवार को रहस्यमय तरीके से आग लग गई। ये ऑफिस श्रीनगर की परिमपोरा फल मंडी में है। पुलिस ने अब तक इस आग के पीछे किसी साजिश की आशंका से इंकार किया है। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। यूपी के अयोध्या में राम बलवा कुंज मंदिर में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग में एक शख्स की मौत हो गई। आग मंदिर में अनाज भंडारे में लगी। आग इतनी भयानक थी कि मंदिर के ऊपर हिस्से को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। वहीं मंदिर में आग कैसे लगी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। यूपी के चंदौली में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही आग के हवाले ट्रक हो गया। दरअसल महाराष्ट्र से फर्नीचर लादकर कोलकाता ले जा रहा ट्रक चंदौली के NH2 पर एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचने ही वाला था कि इसमें अचानक आग लग गई। ट्रक में प्लाईवुड से बने फर्नीचर लदे होने के कारण देखते ही देखते पूरा ट्रक आग का गोला बन गया। यूपी के मिर्जापुर में भी लपटों का तांडव देखने को मिला। यहां कचहरी परिसर में आग लग गई, उससे 20 से ज्यादा वकीलों के चैंबर जलकर खाक हो गए। आग से कुछ स्टैंप्स और स्टैंप विक्रेताओं की दुकानों में भी रखे रुपए जल गए। यूपी के कानपुर के कोपरगंज इलाके में एक जूट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं गोदाम की छत पर 2 मजदूर कई घंटों तक फंसे रहे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। आग से कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची। आग में लाखों के माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कानपुर में सड़क हादसे में एक युवक की संदिग्ध मौत हो जाने के बाद जमकर बवाल हुआ। मृतक के परिजनों ने युवक शिवेंद्र को मौत का जिम्मेदार ठहराया और हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे काफी देर तक जाम रहा।
मामला कानपुर के बर्रा बाईपास नेशनल हाईवे का है, जहां बाइक सवार युवक अभिषेक सड़क हादसे का शिकार हो गया। गंभीर रूप से जख्मी अभिषेक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। अभिषेक अपने दोस्त शिवेंद्र के साथ बाइक पर घूमने निकला था। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां बुखार से पीड़ित महिला को अस्पताल की नर्स ने फंगस से भरी हुई स्लाइन चढ़ा दी, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक घर से एक तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट कर्मचारियों के मुताबिक दिवाली पर पटाखों के शोर से घबराए तेंदुए ने घर में शरण ली। केरल सरकार ने राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और कहा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से मदद मांगी जाएगी। साउथ वेस्ट मानसून में कमी के बाद केरल सरकार ने यह फैसला किया है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून में बारिश में 34% तक की कमी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। बीते दो दिनों में डिलीवरी के दौरान 3 नवजात बच्चों की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल के गेट पर धरना दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों की मांग थी कि कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंचकर उनकी बात सुने। बाद में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच बनी दूरी को पाटने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव समेत उनका पूरा परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी खाने की टेबल पर मिले। हालांकि विपक्ष इस पर चुटकी लेने से बाज नहीं आया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लगता है कि लालू का दमकल महागठबंधन में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। वहीं जेडीयू ने सुशील मोदी को महागठबंधन में ताकझांक न करने की सलाह दे दी। बिहार में नालंदा के भाग बीघा में दलितों को पूजा से रोकने पर तनाव फैल गया है। आरोप है कि ऊंची जाति के लोगों ने अंबा गांव में मां लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा के मौके पर दलितों को भगा दिया और उनके ऊपर पथराव भी किया। वहां हर साल दीपावली के मौके पर लक्ष्मी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर एक साथ पूजा की जाती थी, लेकिन आरोप है कि इस साल इस पूजा में दलितों से भेदभाव किया गया। गुजराती नए वर्ष पर सूरत के स्वामी नारायण मंदिर में 1300 से अधिक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। स्वामी नारायण मंदिर में नए वर्ष पर करीब 55,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। झारखंड के गमला में एक होटल में बेकाबू ट्रक के घुसने के बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर जमकर गुस्सा भड़का। गांव वालों ने ट्रक को आग लगा दी और वहां की मुख्य सड़क को 12 घंटे तक जाम रखा। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने जाम हटाया। पुलिस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। पंजाब के लुधियाना में कुछ लोग एक लड़की को कार से फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित सुनीता को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की के होश में आने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं शक के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही नेपाल के रहने वाले हैं और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। पंजाब के बठिंडा में माता जीवी नगर में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तकरीबन 8 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां लगानी पड़ी। आग में 30 लाख रुपए के टायर जलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पंजाब के फाजिलका में 15 चोरों ने गेहूं के गोदाम में तैनात 2 चौकीदारों को बंधक बनाकर 500 बोरी गेहूं पर हाथ साफ कर लिया। चोर गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी अपने साथ ले गए। पुलिस का दावा है कि किसी भी चोर को बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोवा में पहली बार मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन हुआ। इसमें एक साथ 450 कारें और 90 बसों को पार्क किया जा सकता है।